कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। बॉलीवुड की एक ऐसी मशहूर अदाकारा जो 74 साल तक कुंवारी ही रही और कुंवारी ही मर गई, लेकिन अपने प्रेमी को न पा सकी, जिनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक है। मैं बात कर रही हूँ मशहूर एक्टर और एक्ट्रेस देवानंद और सुरैया की, जिनकी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है 1948 में फिल्म विद्या के शूटिंग सेट से, जहां देवानंद बॉलीवुड के मोस्ट आइकॉनिक एक्टर थे। अपनी बेमिसाल शैली, आकर्षक व्यक्तित्व और अभिनय प्रतिभा के लिए जाने जाते थे, जिनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लाखों लड़कियां पागल रहती थीं। वहीं देवानंद सुरैया के प्रेम में पागल थे। वहीं सुरैया उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हुआ करती थी, जो बला की खूबसूरत थी। उन्हें मलिकाए हुस्न के टाइटल से नवाजा गया था। उनकी फैंस फॉलोइंग इतनी जबरदस्त थी कि उनके घर के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए इतनी भीड़ लगी होती थी कि लगभग हर समय ट्रैफिक जाम लगा रहता था। और इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी सुरैया के फैंस कम नहीं थे। एक बार तो हॉलीवुड के फेमस एक्टर ग्रेगरी पैक अपने आप को उनसे मिलने के लिए रोक नहीं पाए और सुरैया से मिलने के लिए आधी रात को उनके घर पहुंच गए। खैर, देवानंद और सुरैया दोनों की ही जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे चुके थे। सुरैया को जहाँ खूबसूरती के लिए मलिकाए हुस्न के खिताब से नवाजा गया था, वहीं उनकी मधुर आवाज के लिए उन्हें मलिकाए तरन्नुम के खिताब से भी नवाजा गया था। उन्होंने कई गाने भी गाए थे। लेकिन सच तो ये है कि किसी को सब कुछ नहीं मिलता, कुछ न कुछ कसक रही जाती है जिंदगी में। सुरैया की जिंदगी में वो कसक थे देवानंद साहब। देवानंद और सुरैया की पहली मुलाकात 1948 में रिलीज हुई फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिल्म का हीरो कौन होगा ये अभी फाइनल नहीं हुआ था। तभी उनकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी, जो एक ट्रक सुरैया को घूरे जा रहे थे। सुरैया ने प्रोड्यूसर को बुलाया और कहा, वो जो शरीफ नौजवान कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें वहां से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर ने नौजवान को बाहर भेजने के बजाय सुरैया के पास बुलाया और कहा, इनसे मिलिए, ये हमारी फिल्म के हीरो देवानंद। तो इस तरह हुई सुरैया और देवानंद की पहली मुलाकात। इस फिल्म के सेट पर बोट पर एक गाना फिल्माया जा रहा था, तभी नाव पलट गई। देवानंद साहब ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जान पर खेलकर सुरैया की जान बचाई। और इस हादसे के बाद सुरैया ने कहा था, देव सिर्फ पर्दे पर हीरो नहीं है, असल जिंदगी के भी दिलेर हैं। और यहीं से शुरुआत होती है इन दोनों की प्यार की। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि इसकी खबर सुरैया के नानी के कानों तक पहुंच जाती है, जो इस प्रेम कहानी में विलेन का किरदार निभाती है और इनके प्यार को नामंजूर कर देती है। इसके साथ ही सुरैया पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। अब सुरैया केवल शूटिंग सेट पर ही देवानंद साहब से मिल पाती हैं, लेकिन यहाँ भी निगरानी के लिए उनकी नानी साथ रहती हैं। अब दोनों ने लेटर्स का सहारा लिया, जिसे एक्सचेंज करने में इनके करीबी दोस्तों ने इनकी मदद की। देवानंद साहब जल्दी से जल्दी सुरैया से शादी करना चाहते हैं, इसलिए उनके पास सगाई की हीरे की अंगूठी भेजते हैं। लेकिन इसकी भी खबर सुरैया की नानी को लग जाती है और वो अंगूठी समुद्र में फेंकवा देती हैं। इन दोनों के प्यार को लेकर जहाँ सुरैया की नानी बेहद सख्त थी, वहीं सुरैया की माँ ने इन दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। एक बार जब देव साहब ने आखिरी बार सुरैया से मिलने के लिए फोन किया, तो संयोगवश फोन सुरैया की माँ ने रिसीव कर लिया और दोनों को मिलने की इजाजत दे दी। रात 11:30 बजे देव साहब अपने दोस्त के साथ सुरैया के घर की छत पर पहुंच गए, जहाँ सुरैया पहले से ही मौजूद थी, और दौड़कर देव साहब के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। ये देव साहब और सुरैया की आखिरी मुलाकात थी। यहीं दोनों ने अलग होने का फैसला लिया, क्योंकि सुरैया अपनी नानी के खिलाफ जाने का सहारा नहीं जुटा पाई। कुछ समय बाद देव साहब मूव ऑन कर गए और कल्पना कार्तिक के साथ अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं। वहीं सुरैया उसी मोड़ पर रुक गई और अपनी अधूरी मोहब्बत किसी और के साथ पूरी नहीं की, और अपनी अधूरी मोहब्बत और देव साहब की यादों के साथ ताउम्र कुंवारी रही। किसी याद ही किरदा मिले, किसी दर्द ही कसरा मिले। पर 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। देवानंद साहब उनके जनाजे में भी शामिल नहीं हुए। इस तरह एक मशहूर अधूरी प्रेम कहानी का अंत हो गया। लेकिन काश अगर देवानंद साहब भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़े होते, मूव ऑन नहीं किए होते, तो शायद ये अधूरी प्रेम कहानी पूरी हो जाती। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।